इजी कुकिंग बाय परमजीत कौर फ्रॉम मोहाली भी थोड़ा स्वागत है। आज असी चिल्ली शिमला मिर्च बनावांगे। जे दी रेसिपी तुहानू अच्छी लगे पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दिओ। जे हुण तक साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो वह भी प्लीज़ कर दिओ, ते नाल ही बैल आइकन जरूर प्रेस कर दिओ ताकि हर वीडियो की साडी नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके। तो इहनू बनाउण वास्ते जिहड़ी जिहड़ी चीज़ की जरूरत है एक एक करके असी तुहानू दिखाने। आ देखो जी, ये साड़ी असी शिमली मिर्च, ग्रीन शिमली शिमला मिर्च है, तो ये तकरीबन 250 ग्राम के करीब करीब सी। असी इनू साबुत धो के वॉश करके सुखा के बीज अंदरों सारे कढ़ते, तो छोटे छोटे पीस असी इनू कर लिया। तो 50 ग्राम साड़ी रेड शिमला मिर्च है, तो ये टोटल तुहाडा कह सकते हो भी 350-350 ग्राम के दोनों मिला के बनदियां ने। तो ये भी असी बीज कट के धो के वॉश करके तो इनू छोटे छोटे पीसिस असी इनू कट लिया। इस तरह दो प्याज असी लए ने वड्डे साइज दे, इन्हां नू चार कट तरह का कट के, तो इनू असी इदां दी फांका च असी अलग अलग कर लिया। तो ये थोड़े जिहा असी लसन दी तुरियां लईआं तो उन्हां नू असी बरीक बरीक असी कर लिया। तो जिहड़े इहदे वास्ते सॉसिस ते होर मसाले वगैरह यूज होने वो तुहानू दिखाने आ। एक तो सिर्फ इस नमक ही यूज होना है, तो बाकी एक रेड चिल्ली सॉस, तो टोमैटो कैचअप, सोया सॉस, तो असी इनू सरसों के तेल च बनावांगे। तो हुण असी इनू बनाना शुरू करते हैं। देखो जी, पैन च असी तेल एज पर रिक्वायरमेंट असी पान लगे हैं, तो उन्ना कि असी पाना जिन्ने साढ़े प्याज ते होर शिमला मिर्च फ्राई हो जाए। आ देखो जी, आ देखो तेल साड़ा गर्म हो गया जी, तो असी हुण इस लसन जिहड़े छोटे छोटे पीस किए हुए वो ऐड किया है, तो इन्हों असी फ्राई करांगे। असी मीडियम फ्लेम असी गैस का रखे हुआ, जे सानू लगेगा कि घट है थोड़ा बहुत तेज़ कर लेंगे, अदरवाइज मीडियम फ्लेम से ही ये बन जाने जी। इनू असी हुण नाल नाल हिलाई जाना, जो थोड़ा जिहा ब्राउन होया तो उस तो बाद असी नैक्सट जिहड़ी चीज़ ऐड करनी है करांगे। आ देखो जी, लसन साडा थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया, अजे नाल ही असी प्याज ऐड करते हैं। हम प्याज भी फ्राई करांगे, नाल नाल जिहड़े लसन की थोड़ी बहुत कसर होएगी वह भी ब्राउन हो जाएगा। इस तरह इनू हिलाते रहना ताकि एक साइड तो कोई चीज़ ना सड़ जाए, ना लसन तो प्याज। और देखो प्याज असी अद्धा क मिनट फ्राई किया, तो उस तों बाद नाल ही असी शिमला मिर्च ऐड करती। हूँ तीनों चीज़ा इकट्ठिया फ्राई करांगे, बस इन्हों हिलाते रहना थोड़ी थोड़ी देर बाद। देखो रेड शिमला मिर्च है, थोड़ा जहा फ्राई करने तो बाद फिर रेड शिमला मिर्च ऐड करांगे। देखो 1.5-2 मिनट असी उन्होंने सारे इकट्ठे फ्राई करने तो बाद जी लाल शिमला मिर्च के छोटे छोटे पीस कटे हुए वो असी ऐड करते। हम सारे इकट्ठे असी फ्राई करांगे, असी 2 मिनट फ्राई करांगे। देखो 2-1 मिनट असी इन फ्राई करांगे। हाँ, देखो 2 मिनट हो गए ने, असी इनू नाल नाल हिला रहे हैं पर हाले थोड़ी जी कच्ची है, तो असी गैस में असी सिम ते करता, तो 2-1 मिनट असी होर फ्राई करांगे इन्हों। उस तो बाद सॉसिस वगैरह मिक्स करांगे। हाँ, देखो 2 मिनट साढ़े होर हो गए ने, टोटल असी 5 मिनट इनू फ्राई कर लिया, तो हूँ असी जो सॉसिस मिक्स करनी ने वो असी करांगे। तो इन असी गैस में सिम ते ही रखे है, तो क्योंकि सॉसिस भी नहीं सड़न गई तो नाल ये भी अच्छा गल जाएगा। तो सोया सॉस असी 2 चम्मच टेबल स्पून है, इस तरह ही है। दूजी सॉस है रेड चिली सॉस, वो भी 2 टेबल स्पून है, तो टोमैटो कैचअप भी साढ़ा 2 टेबल स्पून है। सारी चीज़ा असी इस मिक्स करते हैं, नमक असी लास्ट ते ऐड करांगे। इनू अच्छी तरह असी मिक्स करना हूँ, तो इनू असी सिम ते रखना है, सिम ते रखना नाले इहदे च शिमला मिर्च प्याज और रेड शिमला मिर्च थोड़ी गल जाणगियां, तो नाले अच्छी तरह सारा कुछ इस सॉसिस मिक्स हो जाएगा। बस थोड़ी थोड़ी देर बाद असी इनू हिलाई जाना। आ देखो जी, छोटा नाप तो साडा 1/2 चम्मच असी नमक का पाया, बाकी अपने टेस्ट के मुताबिक तुम वध घट पा सकते हो। नमक पाने तो बाद अच्छी तरह इनू मिक्स कर देना। हाँ देखो जी,
ਅਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਰਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਸੋਸਿਸ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਗੈਸ 'ਤੇ, ਸੇਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਚਿੱਲੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਬਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੈਸ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਿੱਲੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਬਣਿਆ ਔਰ ਸੋਸਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹਾਜ਼ਮੇਦਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਬਣੀ। ਚਿੱਲੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।